बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद खैरियत से होंगे। और आप सब लोगों की जो है फरमाइश पर मैंने ये वीक जो है मज़ीद ऐड किया है रोज़मर्रा के खानों में। और इसमें जो है सिंपल सी चीज़ें थी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी जो थी वो दाल चावल होती है, हर एक के घर में बनती है। और मुझे भी बहुत रिक्वेस्ट थी कि आप अपने तरीके से सिखाइए कि आप किस तरह से दाल चावल बनाती हैं। बिल्कुल सिंपल है। और इसके अलावा भी मैंने दो तीन तरह के दाल चावल अपने उसमें दिए हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे। बुरहानपुर का दाल चावल स्पेशली आप लोगों ने बहुत पसंद किया। जीटी रोड की दाल जो थी मशहूर मियाँ जी की, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की। इन सब के डिस्क्रिप्शन जो हैं अगर आप लोगों से मिस हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। आज जो दाल मैं बना रही हूँ सिंपल दाल चावल हैं जो हर एक के घर में बनते हैं, मैं किस तरह से बनाती हूँ आइए देखते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने यहाँ पे तीन तरह की दाल ली है। मैंने चने की दाल जो है एक कप ली है, मूंग की दाल आधा कप ली है, मसूर की दाल आधा कप ली है। इन तीनों दालों को जो है 4 से 6 घंटे अच्छी तरह से भिगो दिया था। और अब इनको मैं 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डाल के इसको मैं उबालने के लिए रख रही हूँ प्रेशर कुकर करके। ठीक है, आपके पास अगर टाइम है तो आप नॉर्मली भी उबाल सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर करूँगी और फिर जो है इसका हम मसाला बनाएंगे और फिर ऊपर जो है वो तड़का बनाएंगे। तो इसको जो है हम उबालने के लिए रखते हैं। हमने दाल डाल दी, अब इसमें जो है हम हल्दी डाल रहे हैं 1 चम्मच और नमक जो है इस वक्त हम 1 चम्मच डाल रहे हैं, बाकी हम मसाले में डालेंगे। पानी डालेंगे इसमें तकरीबन 2-3 ग्लास के करीब डालेंगे और इसको जो है तकरीबन 3 से 4 विसल्स तक इसको उबालने के लिए रख देंगे। इसको हम ढक्कन ढकते हैं और इस पर विसल लगाते हैं और इसको जो है ये जल्दी से जो है, सबका कुकर का टाइम वेरी करता है, मैं 3 से 4 सीटियां इसकी लगेंगी। तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छी से बॉईल हो जाएगी। जब तक ये बॉईल हो रही है जब तक हम इसका आगे के स्टेप करते हैं। अच्छा, ये देखें ऑयल जो है यहाँ पे हमने 1/4 कप लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर प्याज जो चॉप की हुई थी वो डाली। इसी ज़रा सा सौते होगा तो फिर अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे 1 टेबल स्पून और ये टमाटर डाल देंगे हम इसमें। 2 टमाटर लिए हैं मैंने, इसको रफली चॉप कर लिया है। इसको बहुत अच्छा से भूनेंगे। ये हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। नमक हमने 1 चम्मच उबालने में भी डाला था और यहाँ पर जो है हम 1 चम्मच यहाँ पे डाल रहे हैं। आप अपने हस्बे शौक नमक को देख लीजिएगा। अच्छा, हल्दी मैं थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं। मैंने उसमें भी जो है वो 1 चम्मच डाली थी, यहाँ पे भी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। उसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी भुना ज़ीरा है 1 चम्मच भर के, बड़ा टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। एक टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब हमारी दाल बॉईल हो जाएगी तो उसको मैश करके फिर इसमें ऐड करते हैं। फिर ऊपर से तड़का लगा लेंगे। बिल्कुल सिंपल और झटपट बनने वाली चीज़ें हैं। ज़ाहिर है गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी है, किसी का भी दिल नहीं चाहता किचन में बहुत देर खड़ा रहने का। और ज़ाहिर है कि घर में सब लोगों को खाना भी देना होता है और दोनों टाइम जो है लंच और डिनर प्रिपेयर करना होता है। तो जितना हम सिंपल ईजी और अच्छा बना लें वो सब घर वाले भी खुश हो जाते हैं और हमें भी जो है ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और अब हम इसमें ये मोटा कुटा धनिया डाल देंगे, इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और आखिर में जो है अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। तो देखें इसमें हम पानी डाल रहे हैं, तकरीबन जो है 1 कप के करीब मैंने पानी डाला है और इसको जो है थोड़ी देर और इसको पकने देंगे, फिर दाल हम हमारी इसमें ब्लेंड करके और ऐड करेंगे। अच्छा, देखिए दाल हमने बॉईल कर ली थी और इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, इसको हैंड मिक्सर से भी ब्लेंड कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर होता है उससे भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। अब इस सारी दाल को हम इस मसाले में डालते हैं।
से हमारी दाल भी तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे तड़का डाल रहे हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है हमने। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चॉप्ड लहसुन और चॉप्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून मिक्स ये डालेंगे। थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। अच्छा, लहसुन अदरक जो है थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें लाल मिर्चें डालेंगे और आखिर में थोड़ा सा हम इसमें ब्राउन अनियन डाल देंगे। और ये चूल्हा बंद करके इसका तड़का जो है हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है, उसके ऊपर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा धनिया डालेंगे। बस अब मैं आपको इसको डिश आउट करके बता रही हूँ। देखिए, दाल चावल जब बनते हैं तो बहुत सारे लवाजमात भी इसके साथ अच्छे लगते हैं, स्पेशली गर्मियों में तो जो है दाल चावल के साथ चटनी, अचार और पापड़ के साथ ही बहुत अच्छा लुत्फ़ देता है। बाकी आप लोग अपने घर में किस तरह से दाल बनाते हैं, उसको किस तरह से सर्व करते हैं, आप लोगों की पसंदीदा दाल कौन सी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आयशा कुज़ीन पे हर साल की तरह इस साल भी हमने अचार, चटनियाँ, मुरब्बे जो हैं हमारे ऑर्डर पे बना रहे हैं। और जो हमारे न्यू क्लाइंट हैं या व्यूअर्स हैं वो देखना चाहते हैं, तो वो जो है यहाँ पे मैंने उनके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। बहुत से लोग गिव अवेज भी देते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को। तो आज यहाँ पर जो मेरे पास गिव अवे बन रहा है उसमें फालसे का मुरब्बा है और हम लोगों का ऑथेंटिक मेमनी केरी अचार है, वो इन्होंने जो है बनवाया है। इसको हम इस तरह से पैक करके और जो है हम डिस्पैच करेंगे। और इसमें बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके अकॉर्डिंग टू योर बजट जो है हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो आप भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से जो है नंबर ले लीजिएगा और मुझे ज़रूर ऑर्डर कीजिए। और ये जो है ये बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ यहाँ पर कि इसमें जो है मैं इस तरह से इसको देती हूँ बिल्कुल फॉइल लगा के, ताकि ये जो है लीकेज भी नहीं हो। और अगर आप बाहर भी ले जाना चाहते हैं तो इसकी जो है इंटरनेशनल लेवल की पैकिंग की हुई होती है, तो ये कैंस वगैरह और जिस तरह से होते हैं ना, तो ये लीक नहीं होते हैं। वरना अगर अदरवाइज़ ये होता है कि ऑयल और जो है वो सारा ड्रिप हो जाता है और जब तक वहाँ पर पहुँचता है आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को, तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो मैं हर चीज़ जो है इस तरह से सील पैक करके देती हूँ, ताकि ये जो है कोई हमारे पास कोई कंप्लेंट्स नहीं आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अचार चटनियाँ हैं ये लोकली और इंटरनेशनली हर जगह पर जो है वो इक्वली पसंद किया जाता है और लोग जो है इसके ऑर्डर्स करते हैं। और इसको हम कैन भी करवा के देते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का आप ऑर्डर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के लिए या अपने ख़ुद के लिए, जैसे आजकल लोग अपने बच्चों के ससुराल वगैरह हैं समझाने में भेजने के लिए भी डिफरेंट टाइप की बास्केट्स होती हैं, वो भी बहुत सारी वैरायटी है, फैंसी भी हैं। ये तो मैंने आपको सिंपल सा बताया है। उनका बजट जो था वो उन्होंने कहा था सिंपल करके रखिएगा, तो वो मैंने ये वाला बनाया है। अदरवाइज़ फैंसी आइटम्स भी हैं, फैंसी बास्केट्स भी हैं, तो हर तरीके से जो है हम इसको बना के देते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरा नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा।